क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर फ्रॉम अ लेंस, अ शार्प फोकस्ड इमेज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट जो कि लेंस से 2.4 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसकी शार्प फोकस्ड इमेज बन रही है कि स्क्रीन पे जो कि लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके आगे हमें कह रहा है अ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट मतलब एक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन सच दैट द ग्लास प्लेट फेस फेस इज पैरेलल टू द स्क्रीन। मतलब अब हमने इसके बाद क्या किया, लेंस और स्क्रीन के बीच में एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया, ग्लास प्लेट ये ग्लास स्लैब कह लो, जिसके फेसेस जो है स्क्रीन के पैरेलल है, ठीक ना। उसके बाद हमसे पूछ रहा है व्हाय व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड अगेन ऑन द स्क्रीन। देखो होता क्या है कि जैसे ही आप स्लैब इंसर्ट करोगे तो वैसे ही इमेज ना थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाएगी राइट या लेफ्ट में, राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अब हम ऑब्जेक्ट को और कितना शिफ्ट करें कि हमें शार्प फोकस्ड इमेज दोबारा से स्क्रीन पे मिल जाए, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है पहले उसे देख लेते हैं और फिर हमें क्या करना है आगे, प्लेट इंसर्ट करने के बाद क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें इसमें गिवन है U दे रखा है -2.4 मीटर, इसे अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो -240 सेंटीमीटर, और V की वैल्यू कितनी है, मतलब स्क्रीन पे इमेज बन रही है और स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो V की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो और फोकल लेंथ निकाल लो, ठीक ना। फोकल लेंथ की तो कमी है 1/V - 1/U = 1/F, तो 1/V कितना 12 माइनस 1/ ये हो जाएगा -240 = 1/F, तो माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 20 240, तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 20 प्लस 1 बाय 240 इक्वल टू 1/F, तो F इक्वल टू हो जाएगा 240 बाय 21, 3 से काट दो 80/7, ठीक। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, फोकल लेंथ आ गई हमारी 80/7 सेंटीमीटर, ठीक। तो गिवन केस के हिसाब से ये लेंथ हो गई हमारी, ठीक, इससे 12 सेंटीमीटर आगे एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गई, ट्रिपल ई कैसे हो गया, स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है ऐसा मान लो, ठीक, और जो इमेज जो बन रही है लेंस से वो स्क्रीन पे ही बन रही है अभी, कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन है 12 सेंटीमीटर, ये क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करा, एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया यहां पे, ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक। तो अब ये स्लैब शिफ्ट कितना कर रही है, पहले हम शिफ्ट निकाल लेते हैं, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, ठीक, और वो शिफ्ट हमने मान लिया x। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है t1 minus mu of slab, तो सराउंडिंग तो यहां एयर है, ठीक ना, तो एयर के लिए तो वन हो गया अपॉन म्यू, अरे ये ले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, ठीक ना। तो सराउंडिंग एयर है तो एयर के लिए वन हो जाएगी, तो थिकनेस कितनी है उसकी, टी थिकनेस ऑफ स्लैब है तो वन, वन माइनस सराउंडिंग एयर है तो वन, स्लैब की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 तो 0.5 बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया इससे कैंसिल 3, तो x की वैल्यू आ गई 1/3 सेंटीमीटर, और शिफ्ट यहां पे क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इमेज की जो शिफ्टिंग होगी
वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही होगी, ये जो शिफ्टिंग है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट, ठीक ना, टुवर्ड्स राइट। अरे मेरा लेफ्ट है, इधर से देखे तो ये राइट है, तो टुवर्ड्स राइट हुई है इमेज की शिफ्टिंग। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उधर है ना, ये देखो, तो इसका मतलब इमेज की शिफ्टिंग भी टुवर्ड्स राइट हुई है, ठीक ना, 1/3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब स्लैब लगाते ही इमेज की शिफ्टिंग कहाँ हो गई? 1/3 सेंटीमीटर आगे। मतलब अब अगर मैं इसके बाद इसकी शिफ्टिंग थोड़ी आगे हो गई, यहां बनने लगी इमेज जो पहले यहां बन रही थी, तो इससे ये क्लियर हो गया कि स्लैब इमेज कहीं भी बन रही हो उसे 1/3 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगी, 1/3 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करेगी इमेज को। तो इसका मतलब अगर लेंस इमेज को अगर 1/3 सेंटीमीटर पहले बना दे स्क्रीन से, तो ये स्लैब उसे 1/3 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगी और हमें अगेन स्क्रीन पे इमेज मिल जाएगी, ठीक ना। तो लेंस को क्या करना चाहिए? इमेज को 1/3 सेंटीमीटर पहले बनाना पड़ेगा ताकि उसका शिफ्ट करके वो वापस स्क्रीन पे पहुंचा दे, ये स्लैब। क्लियर? तो इमेज की डिस्टेंस देख लेते हैं कि अब इमेज की डिस्टेंस इसके लिए क्या होनी चाहिए। 1/3 पहले, तो 12 पहले हुआ करती थी, 1/3 माइनस कर दो तो वी इक्वल टू हो जाएगा 12 या 36, 36 माइनस 1 35/3, तो 35/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो हम निकाल ही चुके हैं जो कि है 80/7 सेंटीमीटर, ठीक। लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है 1/V माइनस 1/ अब यू डैश, 1/V डैश ले लेते हैं, इसे भी वी डैश, पहले वी ले चुके हैं ना, 1/V डैश माइनस 1/U डैश इक्वल टू 1/F, फोकल लेंथ थोड़ा ने बदली है, तो 1/B डैश कितना? 1/35/3, 35/3 माइनस 1/U डैश इक्वल टू 1/80/7, 7 उछल के ऊपर जाएगा, इधर 3 उछल के ऊपर जाएगा तो 3/35, 7 उछल के ऊपर जाएगा तो 7/80, इसे उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस 7/80, माइनस 7/80 इक्वल टू 1/U डैश, ठीक। ये माइनस है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जा रहा है, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 560, तो ये 16 टाइम्स में 560 जाएगा और ये 57/56, 7 टाइम्स में, तो इसमें 16 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इसमें 7 की, तो 16 * 48 कितना हो जाएगा? 16 * 48 माइनस 7 * 49 डिवाइडेड बाय 560 1/U डैश, तो ये कितना हो गया? माइनस 1/550 इक्वल टू 1/U डैश, तो U डैश इक्वल टू 5 - 560 सेंटीमीटर, ये U डैश की वैल्यू हो गई, ठीक। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे थी? 240 सेंटीमीटर पे, अब कितने पे होनी चाहिए? 560। तो अब हमें शिफ्टिंग कितनी की, हमने शिफ्ट कितना करना पड़ा, तो 240 को उठा के 560 पे ले गए, तो 560 - 240 इनका जो डिफरेंस है वही हमने शिफ्ट किया है, ठीक ना। तो कितना शिफ्ट कर दिया हमने? शिफ्ट निकाल लेते हैं, शिफ्ट इक्वल टू U डैश माइनस U, 560 - 240 जो कि आ गया 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर, और अगर मैं मीटर में निकालना चाहूं तो शिफ्ट कितनी आ जाएगी? 3.2 मीटर, तो इतनी हमें शिफ्ट कर दी है इमेज को टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक ना, ये क्लियर। तो 3.2 सेंटीमीटर ऑप्शन बी,